नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट पर अलकायदा सरगना की ओर से बम विस्फोट की धमकी भरा एक ईमेल मिला है। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईमेल में लिखा था कि करणबीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी पत्नी शैली शारा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। वे 1 से 3 दिनों में एयरपोर्ट पर बम लगाने की तैयारी में हैं। वहीं डीआईजी ने बताया कि हाल के दिनों में भी इन्हीं नामों और डिटेल के साथ ऐसा ही धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसे बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने इसे नॉन स्पेसिफिक बताया था। एसओपी के अनुसार सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ने सभी संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है और स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल आईजीआई एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल, एक्सेस कंट्रोल और व्हीकल चेकिंग पॉइंट पर जांच हो रही है, साथ ही पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। 20 जुलाई से ही राजधानी में हाई अलर्ट है। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी है। एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले ड्रोन के जरिए आतंकी हमले की साजिश के बारे में बताया था। ड्रोन हमले को रोकने के लिए पहली बार दिल्ली पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय में विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है। डीआरवी न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।